In this video, I am going to discuss CD work. So what is CD work? So let's see. A cross-drainage work is a structure carrying the discharge from the natural drain across a canal intercepting the stream or the natural drain. So CD work classified into the three broad categories. Number one, CD work carrying canal over the drainage. Second, CD work carrying drainage over the canal. And third, CD work admitting the drainage water into the canal. So let's see what is CD work. CD work, जब कभी भी आपको एक natural drain और एक canal को intersect कराना है या फिर एक दूसरे से cross कराना है तो एक structure create किया जाता है, उसे कहा जाता है cross drainage structure, right? सो यहाँ पे क्रॉस ड्रेनेज वर्क को तीन टाइप से क्लासिफाई किया गया है. नंबर वन, सीटी वर्क कैरियंग कैनाल ओवर द ड्रेन और नेचुरल स्ट्रीम. जब कैनाल को आप रिवर के ऊपर से गुजार रहे हैं. सेकंड केस है सीटी वर्क कैरियंग ड्रेनेज ओवर द कैनाल. सेकंड केस में आप नेचुरल ड्रेन को कैनाल के ऊपर से क्रॉस करा रहे हैं. एंड थर्ड, सीडी वर्क एडमिटिंग ड्रेनेज वाटर इनटू द कैनाल. जब आप ड्रेनेज वाटर को कैनाल में इंटर करा रहे हैं तो ये तीन केस होते हैं. मैन तीन टाइप के जो हैं सीडी वर्क होते हैं. सो फर्स्ट देखते हैं सीडी वर्क कैरियंग कैनाल ओवर द ड्रेन. सो इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट canal is carried over the natural drain. As you can see in the figure, आप देख रहे होंगे जो natural drain है और river है वो नीचे है और जो canal है वो ऊपर से आपने pass कराया हुआ है, cross कराया हुआ है. तो यहाँ पे दो term हैं जो काफ़ी समझने वाले हैं और ये किससे एसोसिएट्स होते हैं वो आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. तो यहाँ पे दो टर्म है, एक HFL और एक FSL. HFL इज हाई फ्लड लेवल, दैट इज हाई फ्लड लेवल एसोसिएट विद द नेचुरल ड्रेन और रिवर. एंड FSL इज फुल सप्लाई लेवल, दैट इज एसोसिएटेड विद द कैनाल. सो नाउ फर्स्ट, व्हाट इज एक्वाडक्ट. जब हम नेचुरल ड्रेन को आप कैनाल के नीचे से पास करा रहे हैं उसमें भी दो केस हैं, एक एक्वाडक्ट होता है, एक साइफन एक्वाडक्ट होता है. एक्वाडक्ट एंड साइफन एक्वाडक्ट. सो व्हाट इज एन एक्वाडक्ट. इन एक्वाडक्ट HFL, that is high flood level of the drain or river, is much below the bottom of the canal. As you can see in the figure, the high flood level of the river is much below the bottom of the canal. This type of arrangement is called aqueduct. So the drainage water flow freely under the gravity in aqueduct. So aqueduct is designed for self-weight as well as pressure due to the water in the canal. Now, second is siphon aqueduct. So in siphon aqueduct,
HFL दैट इज हाई ब्लड लेवल ऑफ द ड्रेन इज मच हाइयर अबव द कैनाल बेड. कैनाल बेड यू कैन सी इन द फिगर. यू कैन सी इन द फिगर द हाई ब्लड लेवल ऑफ द रिवर इज मच अबव द बेड ऑफ द कैनाल. सो इन दिस केस वाटर ऑफ दिस नेचुरल ड्रेन runs under the siphonic action through the aqueduct. So water surface level of the flood is depressed. You can see in the figure, यहाँ पे जो कैनाल के बेड है, सॉरी जो नेचुरल ड्रेन का बेड है, इसको डिप्रेस किया हुआ है. सो वाटर सर्फिस लेवल ऑफ द फ्लड इज डिप्रेस्ड व्हेन इट पास अंडर द कैनाल थ्रू. जब आप कैनाल के नीचे से पास कराएंगे, इसका हाई फ्लड लेवल जो है कैनाल बेड के ऊपर है, तो इस केस में कैनाल के जो नेचुरल ड्रेन है उसके बेड को क्या कर दिया जाता है, डिप्रेस कर दिया जाता है.